बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी शॉर्ट स्टोरी का नाम है वीरान दिल। बका से मेरी शादी हो रही थी, कदम ज़मीन पर न टिकते थे, नुकवत भरी तो मैं पहले ही थी। अच्छी किस्मत ने रही सही कसर पूरी कर दी। अब कदम ज़मीन पर न टिकते थे कि जिसे चाह वही मेरा शरीक ज़िंदगी हो गया। ये खूबी तकदीर थी, मगर मैं समझती थी कि दुनिया मेरे कदम से है। गर्दन में इतनाव मेरे अमीर बाप की वजह से था। हर किसी से अकड़ कर बात करना, नौकरों को झड़क देना, न जाने लोग इस रवैये पर मुझे क्या कहते होंगे। मैं लेकिन कभी इनके एहसास की परवाह न की। मेरे सामने मेरी खुशियों के अंबार थे। मुझे लोगों के साथ राह रसम रखने या उनकी परवाह करने की क्या ज़रूरत थी। घर में दौलत की कमी ना थी। मैं एक शादा बंगले में रहती थी। कार में घूमती, अच्छे से अच्छा खाती, अच्छे से अच्छा पहनती, मगर चंद दिनों से तबीयत उदास रहने लगी थी। ये पहला मौका था कि मेरी तबीयत खुद ब खुद उदास हो गई थी। बका मेरा मुँह तकते और हैरान होते कि मेरी ज़िंदगी में क्या कमी है जो लबों पर खामोशी की मोहर लगी है और चेहरा मुरझाया रहता है। कसमें देकर पूछते कि क्या इनकी तरफ से कोई कोताही हुई है। मुझे खुद खबर न थी क्यों उदासी ने घेर लिया है। इनको क्या बता दी। वो अब मेरे लिए खसूसी वक्त निकालने लगे, घुमाते फिराते, सैर कराते, नियाजे बनवा कर दिया, शॉपिंग करने ले जाते। बिलाखिर वो थक गए, मगर मेरे चेहरे पर खुशी के गुलाब न खिल सके। वो मेरे लिए बेहद फिक्रमंद रहने लगे थे। बोले, तुमको किसी माहिर नफ्सियात के पास ले चलता हूँ। इस पर मैं बुरा मान गई। उनसे कहा, आप मुझे जानी मरीज समझते हैं, मैं दिमागी तौर पर बीमार नहीं हूँ, ऐसे मूड इंसानों पर आते ही रहते हैं। इसकी वजह ज़रूरी तो नहीं कि दिमाग का खलल हो। बाज़ दफ़ा इंसान की छठी हंसी आने वाली दुनिया में किसी मुश्किल या मुसीबत की पेश गोई साबित होती है, तभी पहले से इंसान अफसरदा रहने लगता है। मेरी बातों पर वो हंस पड़े, कहने लगे, बड़ी फ़िलासफ़र हो गई हो, सूफ़ी तो नहीं बन गई, ये तुम्हारी रूह मुस्तकबिल में भी सफ़र करने लगी है। खुदा की बंदी, ये सब तुम्हारे जहन के इख्तरा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा करते हैं, इस मूड को भगाने की कुछ तदबीर करते हैं। फिर इनको खुशी का माहौल बनाने की एक नई तरकीब सूझी। बोले, इस बार हम शादी की सालगिरह इतनी धूमधाम तक मनाते हैं कि लोगों को लगे कि हमारी शादी हो रही है। हमारी शादी की सालगिरह करीब थी। बस उन्होंने वाकई ऐसा अहतमाम किया कि लोग दंग रह गए। सारे घर में कमकमे लगवाए, रात जग और रथ जगा हुआ, रक्स की महफिल सजाई, वो वैसी ही थी जैसी शादी पर की गई थी। इस दिन बका की फरमाइश पर मैं दुल्हन की तरह सजी हुई थी। अजीज़ दोस्त रिश्तेदार सभी मधु थे और पुरतकल्लुफ़ खाने का अहतमाम किया गया था। ख़ास बात रक्स व मौसीकी की महफिल थी। बिल्कुल यूं ही लग रहा था जैसी शादी हो रही हो। रात के खाने के बाद गाने का प्रोग्राम रखा गया था। गायिका दरमियान में बैठी हुई थी और हाल में मेहमान चारों तरफ सोफों और कुर्सियों पर पुराजमान थे। कुछ शौकीन मजाज कालीन पर ही जम कर बैठ गए और सभी हमातन गोश हो गए। बार हारमोनियम और दीगर आलात मौसीकी के साथ अपना फ़न पेश करने वाली एक उधेड़ उम्र की औरत थी और दो लड़कियां थीं जो इस औरत को आपा कह रही थीं। लड़कियां काफ़ी खूबसूरत थीं, एक की उम्र 19 और दूसरी की 17 बरस हो गई। उनको गाना तो बराए नाम आता था, मगर रक्स में माहिर थी। पहले बड़ी लड़की ने गाना सुनाया, फिर छोटी ने गजल लगाई। इसके बाद कुछ मेहमानों की तरफ से रक्स की फरमाइश होने लगी। गोरी गोरी हसीन दो शेजाई और ऊपर रिज्क जरक बरक लिबास, ये क्लासिकी रक्स और लोक नाच की माहिर थी। जब बड़ी रक्स करते पसीना पसीना हो गई तो इसकी जगह छोटी ने संभाल ली। वो महफिल से निकल कर दरमियानी शीशे के स्लाइडिंग डोर को थोड़ा सा खोल कर उस तरफ आ गई जिधर खवातीन बैठी हुई थी और शीशे की दीवार से इधर रक्स देख सकती थी। मैंने उसे आते देखा तो मेहमान खवातीन के दरमियान से उठ कर दरवाजे पर पहुंची और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? पानी मंगवा दीजिए, मगर ठंडा ना हो। वहाँ खिदमतगार ठंडा पानी दे रहे हैं पर मैं ठंडा नहीं लेती, मेरा गला फौरन ख़राब हो जाता है। ठीक है, तुम यहाँ ठहरो, मैं मंगवाती हूँ। मैंने खदमा को इशारा किया, सादा पानी ले आओ और उनको दो। वो किचन की तरफ चली गई। लड़की खवातीन वाले कमरे में आने के बजाय कॉरिडोर में ठहर गई। मैं वहाँ ही रुकी थी ताकि खदमा आ जाए तो मैं वापस खवातीन की तरफ जाऊँ। इस दौरान लड़की ने सवाल किया, क्या आप साहिब खाना की बेगम हैं? हाँ, इसके अलावा कोई और तो नज़र नहीं आ रही हूँ वो छिप गई, मगर फतरत से बात उन्हीं की थी।
झट दूसरा सवाल पूछ लिया, आपके छोर क्या करते हैं? मुझे गुस्सा आ गया, तुम्हें इससे क्या काम, तुम्हें इससे क्या, तुम अब बस अपने काम से काम रखो। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया, आप बुरा मान गई। इतने में खादमा पानी ले आई, वो घटाकर पी गई। इसके बावजूद उसके माथे पर पसीना आ रहा था। उसको तवक्का ना थी कि घर की मालिका इतनी बदमिजाज होगी। वो झुंझलाती हुई चली गई। मैं समझ गई कि मेरे पर गोर लहजे से उसके दिल को ठेस लगी है। इसके बाद मैंने ग्लास की दीवार से देखा कि तुम तमाम वक्त इसकी निगाहें साहिबा खाना पर ही रहीं और उस पर नोटों की बरसात होती रही, लेकिन वो खासा अल्तफात मेरे बका हासिल से ही बरत रही थी। आंखों ही आंखों में न जाने कौन सी बरकी बेगामात हो रहे थे कि बका को चेहरा भी इसकी निगाहों के अल्तफात से गुलनार हो जाता था। सोचा भरी महफिल में एक रकासा के अल्तफात से उनके चेहरे पर ऐसा रद्द अमल हो रहा है, और इस नाचने वाली ने तो साहिब खानों को अल्तफात भरी नज़रों से ताकना ही है, क्योंकि उनसे ढेर सारे पैसे जो बटोरने हैं। गुमान भी न था कि मुझको खुश करने के लिए इतने एहतमाम से सजाई गई महफिल इस रात में मेरी ज़िंदगी की बाजी भी पलट सकती है। रात ख़त्म हुई, महफिल भी ख़त्म हो गई, बात मगर ख़त्म ना हुई। बका अब अक्सर देर से घर आने लगे। मैं पूछती तो कहते कारोबारी मसरूफियत की वजह से देर हो जाती है, फाइलें देखनी होती हैं, तभी देर तक ऑफिस में रुकना पड़ता है। तुम हर वक्त मत पूछा करो, उलझन होती है, कभी कभार कारोबारी मसरूफियत हो ही जाती है ना। लेकिन वो बीवी है जो अपने शोहर की इस कदर चहती हो, क्यों ना पूछे। जबकि जोहर की तवज्जो और अल्तफात में भी कमी आने लगे और वह अक्सर रातों को देर से घर आना शुरू कर दे। अब इनकी गैर हाजिरियाँ बढ़ने लगी और मेरा दिल मुट्ठी में रहने लगा। अब तो ये रात भर ना आते, मैं परेशान होती कि आखिर ऐसा कौन सा कारोबार है जो इन्हें मेरी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं। ये मुझे खुश करने चले थे और खुद अपनी खुफिया खुशियों के ताकुब में लग गए। बीवी की छठी हस बहुत तेज़ होती है। इनके क्राइन बता रहे थे कि ये सही राह नहीं जा रहे हैं, अक्सर रात को लड़खड़ाते हुए आते। हालांकि पहले भी ऐसी पार्टियों में शिरकत करते थे कि जहां पैग चलते थे, मगर ये मेरे मना करने पर इन लवाजमात से परहेज कर लेते थे। आखिर बात खुल गई। इनके दोस्त की बीवी ने बताया कि तुम्हारे मियाँ एक गायिका पर फरीफता हो गए हैं और ये वही गुल नायाब है जिसको अपनी शादी की सालगिरह में खुशी दुबारा करने को बुलाया था। रात को इसके पास जाते हैं। ये रिपोर्ट उस खातून को इसके मियाँ ने दी थी जो मेरे मियाँ के सब राजों से वाकिफ थे। इसने ये भी कहा, अपने मियाँ को थामो, ये वहाँ खूब दौलत लुटाते हैं। मैंने बका से पूछा, वो अनाकानी करने लगे। उन पर तो पूरा भरोसा था कि मेरे सवा किसी को नहीं चाह सकते, मगर फिक्र दो बातों की थी। एक तो उनकी रातों की गैर हाजिरी मुझे बेचैन करती थी, और दूसरे दौलत लुटाने वाली बात, अगर वाकई वो गाना ही सुनने जाते हैं तो फिर ये बड़े खसारे वाली बात थी कि अपनी दौलत एक रकासा पर लुटाएं। मैंने पहले हल्का और फिर तगड़ा एहतजाज किया। वो मान करना दिए। कहते थे कि तुमको गलत फहमी है कि मैं गाना सुनने या रक्स देखने जाता हूँ। मैं कारोबारी मसरूफियत में खप रहा हूँ, बिजनेस को घाटे से बचाना चाहता हूँ, तुम क्यों नहीं समझती। मैं लाख भूली सही मगर इतना तो जान गई कि दाल में कुछ काला जरूर है। रातों को देर से आना और कभी गायब हो जाना, ये चीज़ अब मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। अब पहले दो रातें गायब थे, बहाना के बिजनेस के सिलसिले में सफ़र बढ़ता, और अब फिर एक रात गायब। घर आए तो मैं खूब लड़ी के कहाँ से आ रहे हो, कपड़ों से मोतियाँ की महक और होंठ पान की लीली लाली से सजे हुए थे। पहले तो कभी पान ना खाते थे, बोले कहीं से भी आया हूँ, तुम कौन होती हो रोज़ रोज़ हिसाब लेने वाली, तुमने मेरी ज़िंदगी अजीरन करके रख दी है। उन्होंने पहले कभी इस तरह मुखातिब ना किया था। मैंने सख्त तोहीन महसूस की और बफर गई, रोना और चलाना शुरू कर दिया। वो भी चलाने लगे कि चुप हो जाओ, जिस बात को इलम नहीं उस पर शक बंद कर दो और अब जाकर सो जाओ, मुझे भी सोने दो। कोई औरत किसी मर्द के पीछे नहीं भाग सकती, ख्वाह वो बीवी क्यों ना हो। तुम कब तक मुझ पर जाल ला डालोगी, ऐसा ना हो हमारा रिश्ता टूट जाए। मैं आखिरी बार कहता हूँ कि मुझको कुछ मत कहो, मैं तुम्हारा हूँ, तो मुझे बस अपना ही रहने दो। मुझको इनकी बातों से और गुस्सा आया, नफरत महसूस होने लगी। मैंने कहा, हरगिज नहीं, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हारी ये हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम कोई
तुमको यहाँ तो राह पर आना होगा या फिर मुझको छोड़ना होगा। वो बोले इतना रात गए झगड़ा मत बढ़ाओ, ये तुम्हारे हक में बेहतर ना होगा। अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो, सुबह बात करेंगे। मुझको मगर आराम का। मेरा तो रवा तोहिन के एहसास से जल रहा था। मैंने कहा, आखिर वो है कौन चुड़ैल जिसने तुमको अपना दीवाना बना रखा है और मेरी मोहब्बत हमारे दिल तुम्हारे दिल से छीन ली है। आज तो मैं पूछ कर रहूँगी। बका ने बहुत मिन्नत की के बस अब जिद मत करो, कल बात कर लेंगे। मगर मैं अड़ी रही और कसम उठाने पर मुसलसल असार करती रही, तो वो जज आकर बोले, झूठी कसम उठाने से तो बेहतर है कि तुमको सच बता दूं। मैं गुल नायाब का गाना सुनने जाता हूं। गुल नायाब का नाम सुनकर मैं सुन हो गई कि ये तो वही है जो हमारे घर शादी की सालगिरह में आई थी और जिससे मैंने सीधे मुंह बात न की थी। उसका हसीन मुखड़ा और जहरीली आँखें मेरी निगाहों में अब फिर गई। मेरे एक ही जुमले ने उसके दिल पर कारी जख्म लगाया था। उसने वही खड़े खड़े ये अहद किया होगा कि उस औरत की निस्वानियत को अपने हसनों और नखे जवानी के जादू से छिड़िस देनी है। और उसने बका को दिल अपनी राना अदाओं और दिलबराइयों से जीत लिया। मैं तमाम रात रोती और आंसू बहाती रही और बका गहरी नींद सोते रहे। सुबह हुई, वो अभी सो रहे थे कि मैं मैके चली आई। मेरा ख्याल था कि जब बेदार होंगे तो बेहद परेशान होंगे, पछताएंगे और मेरे पीछे चले आएंगे। यकीन था कि मेरे बगैर नहीं रह सकते, पशमान होकर मेरे वालदेन के पास पहुँचेंगे और मुझको मना कर ले जाएंगे। मुझे एक बल मिला बला खाने की हसीना के हुसन की ताकत का अंदाज़ा न था। मैं तो उनके वापस लौटने का इंतजार कर रही थी और वह मुझसे दूर बहुत दूर होते जा रहे थे। मेरे आने के बाद वो पूरी तरह इस रकासा के शहर में डूब गए। गुल नायाब की माँ को बहुत सी दौलत और कोठी देकर नायाब को खरीद लिया और एक बकाऊ लड़की को मेरी ख्वाबगाह की मालिक बना दिया। मैं मैके में रूठी बैठी उसके मनाने और लौट आने का इंतजार कर रही थी, गति रह गई। कितने वर्ष बीत गए, उम्र दबे पांव निकल गई और मैं अपने बकाव को हासिल करने का ख्वाब आंखों में सजा कर मैके की दहलीज पर मुजमिंद थी। काश औरत को कोई बला खाने की जीनत न बनाए, कोई ऐसे खुद को फरोख्त करने पर मजबूर न करे। रक्स व मसीह की फन है तो फन ही रहे, ये भी बकाव माल की तरह कोठों पर न बिके। वरना मेरी तरह जाने कितनी सुहागने अपने शोहरों और कितने ही बच्चे अपने बापों के चेहरे देखने को तरसते रह जाएंगे। हम औरतें मर्द पर कितना एतबार कर लेती हैं। जब एतबार टूटता है ऐसी तकलीफ होती है कि औरत का घर ही नहीं दिल भी वीरान हो जाता है। हमारे क्या स्टोरी कंप्लीट हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।